आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News, खबर आप तक। नमस्कार, मैं हूं प्रीति मधुकर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कोरबा जिले के कोसमुंडा खदान में दो गुटों के बीच हुई खूनी संघर्ष, इसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद एक पक्ष ने थाने का घेराव कर दिया। घायलों में कुछ के सिर पर संघातिक चोटें आई है। घटना के पीछे डीओ के माध्यम से कोयला परिवहन में वश्चर्व कायम करने का मुख्य वजह माना जा रहा है। इस घटना के बाद कांग्रेस से जुड़े अनेक पदाधिकारियों ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। आपको बता दें कि कुसमुंडा में पांडे रोड लाइंस के संचालक सोनू पांडे द्वारा कोल ट्रांसपोर्टिंग का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त केटी ट्रांसपोर्ट के मैनेजर नितेश देवांगन द्वारा भी यह कार्य किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि दोनों बकायदा डीओ के माध्यम से कोयले की आपूर्ति करते थे। पांडे रोड लाइन्स द्वारा फिलहाल अंदानी ग्रुप को कोयला आपूर्ति की जा रही थी। वहीं केटी ट्रांसपोर्ट से पूर्व पार्षद व कांग्रेस नेता अमरजीत सिंह भी जुड़े हुए थे। पिछले दो दिनों से पांडे रोड लाइन्स के कार्यकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि पूर्व पार्षद के समर्थकों द्वारा उनके डीओ को फाड़ दिया जा रहा है। इसी बात को लेकर रविवार की दोपहर करीब 1:30 बजे सोनू पांडे व पूर्व पार्षद अमरजीत सिंह के माध्यम आज दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच की बात है, जब पुलिस को सूचना मिली कि कुसमुंडा खदान के अंदर में दो ग्रुपों में आपस में मारपीट हो गई है। तो तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची है और अभी स्थिति को हमने नियंत्रण में कर लिया है। क्या बात है, कारण क्या है सर? कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अभी तो स्थिति ऐसी है कि मारपीट कैसा हुआ है, किसको कितनी चोट लगी है, हम अभी उपचार में उसका ध्यान देख रहे हैं। बाकी रिपोर्ट आ गई है थाने में, जैसा भी स्थिति रहेगी, जो भी सेक्शन बनेंगे उसके तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग घायल हुए सर, कुछ ऐसा आंकड़ा है? अभी कुछ क्लियर नहीं बता पाएंगे, लेकिन ज़्यादा लोगों के अभी 4-5 लोग तो हमारे सामने ही थे और लोग भी हैं जो अभी पहले प्राथमिक उपचार कराने के लिए स्थानीय प्राथमिक केंद्र में गए थे, तो बाद में संख्या क्लियर हो पाएगी कितने लोग हैं। बल मंगाना पड़ेगा सर, क्या तनावपूर्ण स्थिति थी क्या? थोड़ी सी स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रण में है, उसको हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया है, बल्कि हमने एक्स्ट्रा मांग कर ली है ताकि स्थिति कुछ बिगड़ने ना पाए। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और कुसमुंडा के खदान क्रमांक 3 में दोनों गुट के सैकड़ों सदस्य आपस में उलझ गए। इस दौरान जमकर घातक हथियार का प्रयोग किया गया। इस घटना में अमरजीत सिंह, गौरव सिंह, सूरज सिंह, चंचल ठाकुर, मन्नू सिंह व आकाश दास को चोटें आई, जिनका उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा है। इस घटना के पीछे कोल परिवहन में वश्चर्व कायम करने को मुख्य वजह माना जा रहा है। चूंकि अमरजीत सिंह कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, इस वजह से जिला चिकित्सालय में कांग्रेस नेताओं की आवाजाही लगी रहती थी। वहीं देर संध्या राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने भी वहां पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। वहीं दूसरी ओर घटना के बाद पूर्व पार्षद के समर्थक बड़ी संख्या में कुसमुंडा थाने के पास लोग पहुँच गए और करीब 1 घंटे तक सड़क पर ही हंगामा मचाता रहा। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने कुसमुंडा थाना में अतिरिक्त बल की तैनाती कर दी। पूर्व पार्षद समर्थकों द्वारा पांडे रोड लाइंस के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कुसमुंडा थाना का घेराव भी कर दिया गया। दिलचस्प तथ्य यह है कि अमरजीत जहां कांग्रेस के क्षेत्रीय कद्दावर नेता माने जाते हैं, जैसे ही मारपीट और हंगामे की खबर आम हुई और दोनों पक्ष थाने पहुंचे तो दोनों दलों के युवा नेता भी लामबद्ध होने लगे। एक बारगी माहौल काफी तल्ख हो गया था। पुलिस को भी दोनों पक्ष को शांत करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि वक्ती तौर पर मामले को कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन आने वाले दिनों में फिर एक बार दोनों पक्ष के बीच खूनी घमासान हो सकता है। बरहर कोल परिवहन के कार्य में लगे लोगों के मध्य आए दिन तनाव की स्थिति निर्मित होते रहती है। पूर्व में भी कई बार कोयला परिवहन में बाजी मारने को लेकर इस तरह की स्थिति निर्मित हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से खूनी संघर्ष हुआ वह शहर की शांत फिजा के लिए ठीक नहीं है। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की विवेचना की जा रही है।
अभी तक किसी के खिलाफ लामजद कार्रवाई नहीं की गई है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश बढ़ाई ने बताया कि दो पक्षों में मारपीट हुई है और दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है। आरएनएन न्यूज़ के लिए कोरबा जिले से मनोज दिनकर की रिपोर्ट।